नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल प्रॉपर्टी टेक्नो। आज एक नए टॉपिक के साथ फिर आप लेकर आए हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक नई जानकारी। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जमीन और मकान लेते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट जांचें। दोस्तों, अगर आप जमीन ले रहे हैं तो इसमें जो है दो प्रकार की जमीन हो सकती है। एक जमीन हो सकती है स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी और एक जमीन हो सकती है जो है किसी टाउनशिप या गेटेड कम्युनिटी की जमीन। दोस्तों, पहला स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी क्या होता है? स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी जो है दोस्तों वो होता है जो प्रॉपर्टी जो पहले से बसा हुआ किसी गली मोहल्ले में या ऐसे जगह पे जहाँ पे लोग धीरे धीरे बसते आकर बसे हो या जहाँ पे लोग जो है खानदानी तरीके से रहते आ रहे हो, ऐसे जो एरिया होता है उस एरिया की अगर आप जमीन ले रहे हैं तो आपको क्या का डॉक्यूमेंट देखने की आवश्यकता है। दोस्तों, सबसे पहले आप जो है जमीन का जो फोटोकॉपी है, पेपर का फोटोकॉपी है, वो आप जो है सबसे मांगे। उनको उतना ही टोकन अमाउंट दे जितने का लॉस आप सह सकते हो। जैसे 10,000 या 20,000 रुपए का आप टोकन अमाउंट दे सकते हैं। टोकन अमाउंट देने के बाद ही वो आपको प्रॉपर्टी का पेपर उपलब्ध कराएंगे। ऐसे केवल बातचीत से जो है कोई आपको अपनी प्रॉपर्टी पेपर नहीं देने वाला। तो इसीलिए उतने ही टोकन अमाउंट दीजिए। बुकिंग अमाउंट जो है अलग होता है। टोकन अमाउंट जो है ऐसा अमाउंट जिसके डूबने पर अगर कुछ आपको ऐसा डाउट लगता है तो पैसा वापस नहीं किया जाता, तो आपको उतना लॉस ना हो, इसलिए 10,000-20,000 रुपए तक का दीजिए। ऐसे भी 20,000 रुपए तक नगद की लेन देन जो है रजिस्ट्री ऑफिस में वैलिड है, उसके ऊपर कैश की आप लेन देन नहीं कर सकते। पहला दोस्तों, आप जब टोकन अमाउंट देते हैं उसके बाद वो आपको प्रॉपर्टी का फोटोकॉपी देता है। उसके बाद अगर आप जो विक्रेता है वो जिससे प्रॉपर्टी खरीदा था उसकी जो है लिंक सेल डीड की कॉपी, मतलब लिंक रजिस्ट्री पेपर की कॉपी अगर वो दे सकता है तो वो भी मांगिए। और उसके बाद जो है आप जो है अगर जिस राज्य में आप रहते हैं वहां पे रिवेन्यू डिपार्टमेंट का, राजस्व विभाग का कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन या वेबसाइट हो, उस वेबसाइट में आप खसरा नंबर, सर्वे नंबर या शीट नंबर जो भी आपके यहाँ होता हो वो नंबर डालकर या वो प्रॉपर्टी जो फोटोकॉपी आपने मांगा है उससे मेंशन होगा, आप उसमें ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद जो है आप जो है देख सकते हैं वो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज तो नहीं रखा गया है या मॉर्गेज रखकर कोई लोन तो नहीं लिया गया है या उस प्रॉपर्टी में कोई पुराना लोन तो नहीं चल रहा है। ये आप सबसे पहले आपको देखना है। अब अगर ये सब चेक करने के लिए आपके पास समय नहीं है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप एक एडवोकेट कीजिए। उनको जो भी उनको जो फीस होता है 1,000 रुपये 2,000 रुपये जो भी उनका फीस होता है आपके राज्य में, एक सर्च रिपोर्ट की कॉपी निकालने का, पूरा प्रॉपर्टी की जानकारी निकालने का, आप उस वकील को वो फीस दीजिए। वो सारा चीज जो है आपको 10 दिन 15 दिन जो भी 1 महीना के अंदर आपका पूरा डॉक्यूमेंट निकाल कर आपको दे देगा, उस प्रॉपर्टी के बारे में पूरा कुंडली निकाल के आपको दे देगा। अब दोस्तों, रही बात है अगर किसी अगर आप जो है जो प्लॉट है या जो लैंड है जो जमीन है उस पर कोई लोन चल रहा है तो क्या करेंगे? अगर उसमें कोई लोन चल रहा है तो सबसे पहले आप उनसे पूछिए क्या ये प्रॉपर्टी बिकने पर ही आप लोन पटाने वाले हैं या अगर मैं आपको कुछ अमाउंट दे दूं तो आप ये लोन क्लोज कर सकते हैं। ये आपको आपसी बातचीत में आपको ये तय करना है। अगर वो कहते हैं कि नहीं, मैं ये जो प्रॉपर्टी बेचूंगा उससे जो पैसा आएगा उससे मैं उसी से मैं लोन को क्लोज करूंगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, दो प्रकार के बायर हो सकते हैं। पहला बार आप कैश में रजिस्ट्री करा सकते हैं या दूसरा आप जो है उस पर भी आप लोन लेना चाहते हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी में तो एक बीटी का ऑप्शन होता है बैलेंस ट्रांसफर। जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उस बैंक में बात कीजिए कि इस प्रॉपर्टी में लोन चल रहा है, इसमें इतना रुपए रिमेनिंग अमाउंट बैलेंस बचा हुआ है जो लोन विक्रेता को पटाना है। उसके बाद जो है बैंक वाला आपका सारा प्रोसेस स्टार्ट करेगा और जो भी बैलेंस ट्रांसफर है वो उसके बैंक को दे देगा विक्रेता के, और बचा हुआ जो बैलेंस है जितने में आप लोग का ट्रांजेक्शन या उस प्रॉपर्टी का जो है बात हुआ है लेने का बचा अमाउंट जो है आपको विक्रेता को दे देगा। इस प्रकार आपका लोन वाला आपका मैटर सॉल्व हो गया। अगर आप कैश लेना चाहते हैं, कैश इन द सेंस आप लोन लेना नहीं चाहते हैं तो क्या है, तो उनसे पूछिए कि अगर मैं कुछ 20% 30% अमाउंट दूं तो बाकी के पैसा आप मार्केट से व्यवस्था करके क्या लोन पटा सकते हैं। दोस्तों, 100% पेमेंट करके जो है मे भी रिस्की हो सकता है। अगर वो बेचने वाला आदमी आपकी जान पहचान का है
या उनसे आपका रिलेशन अच्छा है या किसी अच्छे माध्यम से है या अच्छे व्यक्ति है तो ये अलग मैटर है, फिर भी उनसे एक बार पूछिए मैं जो पैसा दे रहा हूँ 20% 30%, बाकी के अमाउंट क्या मार्केट से अरेंज कर सकते हैं। अगर हाँ बोलता है तो बिल्कुल आप जो 20% 30% जो भी पैसा है देकर उस लोन को क्लोज कराइए, एनओसी लीजिए और उसके बाद जो है आप रजिस्ट्री के प्रोसेस आगे कराइए। दूसरा ये भी ऑप्शन है, अगर जान पहचान का नहीं है या अगर आपको थोड़ा सा मन में डाउट लगता है कि मैं जो पेमेंट दे रहा हूँ हो सकता है रिस्की है, तो आप 20% 30% अमाउंट देकर या 40% या 50% जो भी पैसा मांग रहा है जिससे वो लोन क्लोज कर सकता है, उसके बाद आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराना है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट मतलब दोस्तों एक स्टाम्प पेपर में केवल आपसी सिग्नेचर वाला नोटरी नहीं, आपके आपके एरिया का जो रजिस्ट्री ऑफिस होता है वहाँ पे रजिस्ट्री जैसा ही पूरा प्रोसेस के साथ एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है जहाँ पे भी आपको रजिस्ट्री जैसा फीस लगता है और ये प्रोसेस आप कराइए जिससे आप श्योरिटी हो जाता है उस प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट लीगल रूप में हो चुका है। ये एक ऑप्शन है, ये हो गया स्टैंड लोन प्रॉपर्टी की बात। अब बारी आती है जो है अगर कोई कॉलोनी किसी टाउनशिप कोई प्लॉट किसी कॉलोनी में टाउनशिप में है या गेटेड कम्युनिटी के अंदर जो प्लॉट आप लेना चाहते हैं वो है, तो डेफिनेटली दोस्तों वो टीएनसी अप्रूव्ड कॉलोनी होगा सबसे पहला। अगर वो टीएनसी अप्रूव्ड रहेगा तो गेटेड कम, अगर मान लीजिए वो कच्ची प्लॉटिंग है या बहुत पुराना 10-20 साल 30 साल पुराना एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे लोग धीरे धीरे बनाते बनाते आकर बसे हैं, यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आप देख लीजिए उस घर का नक्शा, उस जमीन जो है लैंड यूज चेंज हुआ है कि नहीं, डाइवर्टेड है कि नहीं, ये आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। अगर कोई टीएनसी अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर है तो आपको ज्यादा छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है जो भी रेट में आप लोग का तय हुआ है विक्रेता क्रेता के बीच एक टोकन अमाउंट देकर आप रजिस्ट्री की फोटो कॉपी इनसे मांगिए। अगर वो लिंक 2-3 बार और लोगों से बिकने के बाद उसके पास आया है तो आप लिंक रजिस्ट्री पेपर मांगिए, और चाहे तो आप पेपर प्रकाशन भी करा सकते हैं, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में 2-3 पेपर में दे दीजिए, आप उसमें प्रकाशन भी करा सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, आप चाहे तो जो है एक वकील भी कर सकते हैं और पूरा उसकी सर्च रिपोर्ट आप निकलवा सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि रेरा जब आया था तो रेरा ने ये कहा था कि अभी की जो भी कॉलोनी बन रही है उसकी अप्रूवल, साथ में पीछे जो कॉलोनी बन चुकी उसको भी रेरा में शामिल करना पड़ेगा, ये सारा चीज जो है रेरा में था, तो उस पे आपको जो है ज्यादा छानबीन करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप जो है सिंपल एक वकील के माध्यम से उसके सर्च रिपोर्ट निकाल सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, कोई मॉर्गेज लोन तो नहीं है, अगर लोन है तो वैसे ही प्रोसेस आप कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, अगर लोन चल रहा है तो आप कैश लेना चाहते हैं या आप खुद लोन लेना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से आप इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर आप मकान ले रहे हैं, अगर आप रीसेल का मकान ले रहे हैं तो आपको क्या देखना है, फ्रेश मकान ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट होगा, टीएनसी अप्रूव प्रोजेक्ट होगा, तो आपको जो है ज्यादा छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है, आग बंद कर लीजिए जैसा कि मैंने आपको रेरा के वीडियो में इसके बारे में बताया है कि क्या होता है। और प्रॉपर्टी है, अगर एक रीसेल का हाउस है तो आप क्या करेंगे, रीसेल की हाउस है तो दोस्तों कितनी वर्ष पुराना है वो मकान, अगर 20-30 वर्ष पुराना है तो ये मान के चलिए आप जो डील कर रहे हैं आप जमीन का वैल्यू पे करने वाले हैं, आप मकान का वैल्यू पे करने वाले नहीं है क्योंकि उस मकान को डिस्ट्रॉय करके आप एक नया मकान खड़ा करने वाले हैं। इसमें दो कंडीशन हो सकती है, अगर उसका नक्शा उन्होंने 2 या 3 मंजिल के लिए बनवाया हो और वर्तमान में वो ग्राउंड फ्लोर में ही बना के रह रहा हो, इसका मतलब वो जो स्ट्रक्चर खड़ा किया था उसने काफी मजबूत बनाया था, तो आप उसमें थोड़ा बहुत खर्चा करके ग्राउंड फ्लोर को मॉडिफाई करा के ऊपर में फ्रेश अपने हिसाब से रूम का साइज सारा चीज का साइज अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। ये हो गया रीसेल की प्रॉपर्टी में जो है, ये मान के चलिए अगर रीसेल का प्रॉपर्टी आप हाउस ले रहे हैं, ये देख सकते हैं आप जो है गुप्त रूप से आजू बाजू जो मकान है आमने सामने जो लोग है गुप्त रूप से आप पूछ सकते हैं कि जमीन पे कोई पारिवारिक विवाद तो नहीं चल रहा है, ये देख सकते हैं। और बाकी आपको छानबीन करना है तो जो प्रोसेस मैंने शुरू में बताया आपको पूरा डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप उस प्रकार आप जो है छानबीन कर। दोस्तों आज का टॉपिक मेरा प्रॉपर्टी जो आप खरीदे चाहे जमीन हो मकान हो क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है हमें देखना चाहिए इस पर था, और भी इससे रिलेटेड छोटी छोटी मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।